मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति पर सीएम शिवराज ने आज चिंता व्यक्त करते हुए महाकाल की शरण जाकर के अच्छी बारिश की कामना के साथ विशेष पूजा अर्चना की है। भोलेनाथ से बारिश की कामना की है। बीजेपी के 39 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद मंडला जिले के बिछिया में विरोध के स्वर दिखे हैं। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर विजय आनंद मराबी को लेकर पार्टी दो गुटों में बंट गई। भोपाल में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा कि जमीनी नेताओं की राय टिकट वितरण में सर्वोपरि है। सूची 15 सितंबर तक जारी करने का प्रयास होगा। भोपाल में सीएम शिवराज ने अल्प वर्षा पर बैठक ली है। परिस्थितियों से निपटने के लिए मीटिंग में मंत्री तुलसीराम सिलावट, रामखिलावन पटेल मौजूद रहे। सीएम ने जल उपयोगिता समिति की बैठक जल्द करने के निर्देश दिए। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। विधायकों के साथ वन टू वन बातचीत होगी। क्षेत्र में रिस्पांस और दावेदारों को लेकर भी बात होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की अहम जिम्मेदारी सामने आई है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति जिलाध्यक्ष घोषित किए गए। संजय दुबे को समिति प्रदेश प्रभारी बनाया है। सुनील शुक्ला को समिति में भोपाल का अध्यक्ष। एमपी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की। कांतिलाल भूरिया चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर दौरे पर आएंगे। मंडला जिले से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। महाकौशल की यात्रा के लिए रवाना करने का काम वे करने आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल का रथ भी वे रवाना करेंगे। नीमच से जन आशीर्वाद यात्रा में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर शामिल हुई। उषा ठाकुर ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा से हर भाई बहन तक पहुंचने का प्रयास होगा। लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे। मंत्री उषा ठाकुर ने व्यक्त की संभावना के आने वाले वक्त में उनकी पार्टी अच्छे मतों से जीतने वाली। नीमच से निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारी पूरी है। यात्रा को लेकर जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। आशीर्वाद यात्रा को लेकर लगभग 150 मंचों से यात्रा का स्वागत करने की तैयारी। इंदौर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 50 साल पुराने जर्जर मकान को जमींदोज किया। 20 साल से किराएदार ने किराया नहीं भरा। जर्जर मकान में रहवासियों का खतरा बना हुआ था। नगर निगम ने नोटिस देकर मकान को ध्वस्त किया। सख्ती में बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। लोड शेडिंग के नाम पर घंटों बिजली सप्लाई बाधित है। रात में 8 घंटे तक बिजली बंद रही। जयजयपुर, हसोद, छपोरा क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 अनाज मंडियां आज से अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गई हैं। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश की सभी मंडियां बंद रहेंगी। 25,000 व्यापारी अनाज की खरीदी नहीं करेंगे। व्यापारी संघ मंडी फीस 1.5 के बजाय 1% करने की मांग कर रहा है। मुरैना से खबर है, 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार हुआ है। ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने सुरेश बंजारा को रिश्वत लेते पकड़ा। किसान से जमीन नामांतरण के लिए रिश्वत मांगी गई थी। जौरा तहसील के गलेथा हलके में ये पटवारी पदस्थ हैं। नवोदय कॉलोनी पटवारी के निवास से उसको वहां गिरफ्तार किया गया। इंदौर में बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है। क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ था। पंडरीनाथ थाने की कबूतर खाना की घटना है।